दिग्रस तहसील की जनता रह रहकर जारी दिग्रस बंद और कर्फ्यू से अब तंग आ चुकी है। ऐसे में आगामी 7 अगस्त तक संचार बंदी जारी रखने की घोषणा के बाद किराना सहित अन्य जीवनावश्यक वस्तु की किल्लत पेश आ रही है। इसी समस्या पर आम जनता ने अपना रोष व्यक्त करते हुए प्रशासन से किराना सहित अन्य जीवनावश्यक सामग्री की दुकानों को खोलने की गुहार लगाई है। आइए डालते हैं एक नजर। दुनिया भर में जारी कोरोना महामारी का संकट हर आम और खास के लिए जी का जंजाल साबित हो रहा है। इस संदर्भ में बात अगर दिग्रस तहसील की जाए तो यहाँ भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने दिग्रस तहसील और शहर वासियों का सुकून छीन लिया है। आए दिनों बंद और कर्फ्यू से न तो कोरोना संक्रमण मामलों में कोई कमी आती दिख रही है और न ही रोजगार व्यापार से जुड़ी आम नागरिकों से लेकर मजदूर वर्ग तथा व्यापारियों की समस्याएं खत्म होने का नाम ले रही है। मालूम हो कि 22 जुलाई से 28 जुलाई की संचार बंदी को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। इस बीच ईद उल अजहा यानी बकरी ईद के 2 दिन पहले ही ये घोषणा कर दी गई थी कि 2 दिन की छूट दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, केवल 1 दिन की छूट मिली, जिससे लोगों में रोष व्याप्त था। अब आगामी 7 अगस्त तक कर्फ्यू की मियाद बढ़ाने से लोगों में जिला प्रशासन के फैसले को लेकर रोष व्याप्त है। महत्त्वाचं म्हणजे हे काय, जी ज्या वस्ती रोज खाण्याला लागतात किराणासारख्या, त्या दिवसातून कमीत कमी 2-3 घंटे तरी उघडायला ठेवायला पाहिजे। आज आम्हाला तेल खायला नाही, तेलासाठी वर्मन करायला, पैसा असून जवळ काही नाही, काय करणार याला। याच्यासाठी प्रशासनानं काही दुकानं किराणासारखे, मेडिकलसारखे जसे उघडायचे तसे किराणा दुकान उघडे ठेवणं फार आवश्यक आहे, अति आवश्यक आहे। मालूम हो कि हाल ही में बकरी ईद के हर्षोल्लास पर पानी फिर गया था। वहीं 1 अगस्त से 7 अगस्त तक कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ाई गई है। एक तरह से जिले भर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा सख्ती का चाबुक चलाए जाने से 3 अगस्त को मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के त्योहार की खुशियां भी मानो कर्फ्यू की भेंट चढ़ गई है। ऐसे में लोगों का गुस्सा कभी खुले तौर पर तो कभी दबे होठों प्रशासन पर फूट रहा है। जो कोरोना है इसके लिए गवर्नमेंट जो कर रही है उसका हम समर्थन करते हैं, पर इसकी जगह जो है, जो हाल आज गरीबों का हो रहा, जो किराना भाजी पत्ता ये जो चीज़ा है ये लोगों को तक नहीं मिल रहे। आज लोग रोज मजूर कर रहे, उनको सामान जो किराना भाजी पत्ता नहीं मिल रहा, उनको तकलीफ बहुत हो रही। और प्रशासन की ये हम इसको चाहते हैं कि प्रशासन ने इन किराना और भाजी पत्ता उनको खोलना चाहिए और लोगों का तरफ ख्याल देना चाहिए। प्रशासनाला है सांगा था आपल्याला कि ईद मु एक दिवस दुकाना उघडायचे टाइम दिला होता, 2 दिवस, 1 दिवस दुकान उघडले आणि आता रक्षाबंधन आहे। रक्षाबंधनले सर्व किराणा दुकाने, जनरल स्टोर्स आणि रक्षाबंधनचे हरेक दुकाने उघडे ठेवले पाहिजे। नागपंचमीले भी दुकाने येईन। दिग्रस शहरवासियों के साथ ही ग्रामीण परिसर के लोग भी अब आए दिनों बंद की समस्या से बेजार हो चुके हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया से कोसों दूर ग्रामीण परिसर के लोग खरीदारी के लिए रोजाना दिग्रस का रुख कर तो लेते हैं, लेकिन आजकल जारी बंद और कर्फ्यू के चलते उन्हें मायूस होकर अपने गांव वापस लौटना पड़ रहा है। मैं मरसूल तांडा रोहित लाव वहाँ के रहवासी हूँ। जैसे अभी ये त्योहार है कल का, इसके वजह से हम 2-3 दिन से चालू है चक्रा मारना, जैसा किराना लेने के लिए खेत में भी काम करना पड़ता और खेत का निपटा के अभी किराना लेने को, अभी ये बंद कब हो जाता, चालू कब हो जाता, ये तो हमारा ख्याल में नहीं आता, क्योंकि मोबाइल नहीं है, हम काश्तकार लोग, इसके वजह से हम आते तो जब भी आते तो ये दुकान खाली दिखती। अभी ले जाना कहाँ, आना कहाँ, या जाने आने को तो या तो भी रिक्शा बंद है, जैसा पैदल जाना पड़ता पैदल आना पड़ता, ये हिसाब से हम आते तो जब भी आए तो किराना बंद दिखती। अभी किराना बंद रहने के बाद हम खाएंगे कैसा, हमारा खेती बाड़ी का काम है, इसके वजह से हम ऐसे ही खेत में ही रहते हैं। ऐसा बाय चांस आए दिनों कर्फ्यू बढ़ाए जाने से शहर का व्यापारी वर्ग भी अनेकों समस्याओं से जूझ रहा है। यही वजह है कि लगातार जारी कर्फ्यू के चलते व्यापार और उद्योग पर विपरीत परिणाम हो रहा है। इस संदर्भ में दिग्रस व्यापारी संगठन ने यवतमाल पहुंचकर जिले के पालक मंत्री संजय राठौड़ से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद किराना व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष यतीन कुमार गड्डा ने इन बीसीएन को पालक मंत्री से हुई संबंधित विषय की चर्चा के संदर्भ में जानकारी दी है। इसका मीटिंग में हम जब पालक मंत्री साहब को मिले तो उन्होंने पूरा अच्छा रिस्पांस दिया और कल मैं पूरी मीटिंग ले रहा हूँ बोले जिले लेवल पर, और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जो मीटिंग होगी उसके बाद हमको ऐसी आशा है कि मंगलवार को
लॉकडाउन में शिथिलता आएंगी और पूरा व्यवहार जिले का बोलो या दिग्रस तालुका पूसद तालुका का भी पूर्ववत शुरू हो जाएगा, ऐसी हमको अपेक्षा है और पालक मंत्री पर भी हमें पूरा विश्वास है। आगामी मंगलवार तक कर्फ्यू में ढील देने की बात कर्फ्यू से त्रस्त जनता, ग्राहक और व्यापारियों के लिए एक उम्मीद की किरण है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच नागरिकों, ग्राहकों और व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिला तथा स्थानीय प्रशासन का कर्फ्यू का ये ऊंट किस करवट बैठता है। NBCN न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।